तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में सॉइल एक्सप्लोरेशन और सॉइल इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ना है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे सॉइल एक्सप्लोरेशन। सॉइल एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? सॉइल एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है डिटेल स्टडी करना अबाउट सॉइल, वेयर वी कैन डिजाइन ए फाउंडेशन, वी कैन मैन्युफैक्चर ए फाउंडेशन और वी कैन कंस्ट्रक्ट ए फाउंडेशन फॉर अ बिल्डिंग। तो अगर कहीं पे जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है तो वहाँ पे जो फाउंडेशन है तो वो भी हैवी होना चाहिए। और फाउंडेशन इस तरह से होना चाहिए कि जो भी सुपर स्ट्रक्चर का लोड है वो सेफली ट्रांसफ़र हो जाए। तो उसके लिए सोयल के बारे में, जो सराउंडिंग सोयल है जिसपे ऐसे लोड ट्रांसफ़र होता है फाइनली, उसके बारे में डिटेल सोयल इंडेक्स प्रॉपर्टी और जो भी टर्म्स है जिससे कि सेटलमेंट परमिसिबल लिमिट्स के अंदर हो, तो इन सब के बारे में स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम लोग सोयल एक्सप्लोरेशन पढ़ते हैं। तो सोयल एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि डिटेल सर्वे और डिटेल स्टडी करना या एक डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सोयल के बारे में, जहाँ पे फाउंडेशन हम लोग बनाने वाले हैं, ताकि जो डिज़ाइन है वो सेफ हो और फेलियर क्रिएट ना हो, उसी को बोलते हैं हम लोग सोयल एक्सप्लोरेशन। तो द नॉलेज ऑफ सब सोयल कंडीशन एट ए साइट फॉर ए सेफ एंड इकोनॉमिकल डिजाइन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर कंपोनेंट, द फील्ड एंड द लेबोरेटरी स्टडी कैरिड आउट फॉर द ऑब्टेनिंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब सोयल करेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग द पोजिशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल एंड विच टर्म है द सोयल एक्सप्लोरेशन। तो जितने भी टर्म्स हो सकते हैं, चाहे वाटर टेबल का पोजिशन है, चाहे वाटर कंटेंट की वैल्यू है, एयर कंटेंट की वैल्यू है, वाइड रेशियो की वैल्यू है, तो ये सब बोलते हैं हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी, सोयल की इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो ये सारे टर्म्स जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, डेंसिटी ऑफ सोयल, इन सब के बारे में कैलकुलेट करना बाई लेयर। तो अगर सोयल बहुत सारे लेयर्स में बनी है तो हर एक लेयर की इंडेक्स प्रॉपर्टी पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग उस हर एक पर्टिकुलर लेयर की बियरिंग कैपेसिटी क्या हो सकती है वो हम लोग जस्टिफाई कर सकें, जिससे कि जो ट्रांसफ़र ऑफ लोड है वो सेफली हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ सोयल एक्सप्लोरेशन। तो मेथड्स ऑफ सोयल एक्सप्लोरेशन, इसका मतलब ये है कि कैसे हम लोग सोयल एक्सप्लोरेशन करेंगे। सोयल मेथड ऑफ सोयल एक्सप्लोरेशन से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम लोग मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं किसी सोयल पर, सोयल के बारे में डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो बहुत सारे कितने स्टेज होते हैं जिससे कि हम लोग सोयल एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो जो सोयल एक्सप्लोरेशन है वो तीन स्टेज में हम लोग करते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी एक्सप्लोरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन भी बोलते हैं। तो प्रीलिमिनरी में हम लोग केवल जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, जियोलॉजिकल या जियोलॉजिकल स्टडी या जियोलॉजिकल सर्वे, या हम लोग कहते हैं टोपोग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं कि वहाँ की जहाँ पे हम लोग फाउंडेशन बनाने वाले हैं उसके आसपास की जो सोयल है, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास की जो लोकेलिटी है उसका कंडीशन क्या है, वहाँ पे फ्लड मार्क है, ड्रेनेज पाथ है, किस तरह का सोयल है, नेचर ऑफ सोयल क्या है, वैली जोन है, कटिंग फीलिंग कितना है, इन सब के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन में। इट कंसिस्ट ऑफ द जियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द साइट एंड ड्यूरिंग द साइट विजिट। तो यहाँ पूरे साइट विजिट के दौरान हम लोग क्या करते हैं, केवल जियोलॉजिकल स्टडी करते हैं साइट की। द स्टडी ऑफ लोकल टोपोग्राफी, तो इसमें लोकल टोपोग्राफी के बारे में हम लोग आइडिया लगाते हैं कि क्या है, एक्सवेशन करना है पड़ेगा कि नहीं, कितना एक्सवेशन है, कटिंग है, ड्रेनेज पैटर्न क्या है, अदर नेचुरल फीचर्स लाइक स्ट्रीम है, फ्लड मार्क है, एक्सेट्रा, ये सब प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन के अंदर आता है। अब प्रीलिमिनरी अगर एक्सप्लोरेशन हम लोग कहीं कर रहे हैं तो कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो वहाँ पे साइट विजिट के दौरान हम लोग यूज करते हैं? तो टेस्ट इन प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन, तो इसमें होता है जियो फिजिकल मेथड। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे मेथड ऑफ सोयल एक्सप्लोरेशन के अंदर जियो फिजिकल मेथड पढ़ेंगे। टेस्ट विद द कोन पेनिट्रोमीटर, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट भी हम लोग इसके के हेल्प से भी हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं। तो जितने भी बड़े जो
स्टैंडर्ड्स मेथड्स हैं, जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है जिसे बहुत सारे टर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं, उससे कहीं ना कहीं सोल एक्सप्लोरेशन के जितने भी स्टेज होते हैं वो हो जाते हैं। कौन पेंट्रेशन टेस्ट हो गया, साउंडिंग रॉड हो गया, उसके हेल्प से भी हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन करते हैं। सेकेंड स्टेज आपका डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन। तो सेकेंड स्टेज आपका डिटेल एक्सप्लोरेशन, इसमें क्या करते हैं कि डिटेल स्टडी करते हैं, यानी टोपोग्राफी के साथ साथ जो लेयर है कि लेयर में भी स्टडी करते हैं, तो अलॉन्ग द डेप्थ फॉलो करते हैं। तो डिटेल में याद रखेंगे कि जो डेटा कलेक्शन का काम होता है या जो इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं वो अलॉन्ग डेप्थ करते हैं, यानी डेप्थ के अलॉन्ग कि सोइल के इंडेक्स प्रॉपर्टी में क्या क्या वेरिएशंस हैं इसके बारे में पता करते हैं। तो डिटेल एक्सप्लोरेशन फॉलो द प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन, यानी प्रिलिमिनरी करने के बाद हम लोग डिटेल एक्सप्लोरेशन करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग नेचर थिकनेस एंड द सिक्वेंसेस ऑफ द वेरियस सब सोइल स्टेटा, तो कितने लेयर्स में है सोइल और उसकी इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है, पोजिशन ऑफ वाटर ग्राउंड वाटर टेबल क्या है, इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंट लेयर, बहुत सारे लेयर है तो हर एक लेयर की इंडेक्स प्रॉपर्टी पता करते हैं। टेकिंग सैंपल फ्रॉम द लेबोरेटरी टेस्ट फ्रॉम द वेरियस डेप्थ, और वहाँ से हर एक लेयर से हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं और उस सैंपल को लेबोरेटरी के अंदर टेस्टिंग करके इंडेक्स प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं। कंडक्टिंग मैनी फील्ड टेस्ट विच विल गिव द लॉट ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जैसे सीयर स्ट्रेंथ हो गया, कंप्रेसिबिलिटी, परमेबिलिटी, डेंसिटी, ये सब हम लोग स्टडी करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे टूल्स या मेथड्स होते हैं जो डिटेल एक्सप्लोरेशन के टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बोरिंग हो गया, बहुत सारा टेस्टिंग हो गया, ये सब लोग प्रीफर करते हैं डिटेल एक्सप्लोरेशन स्टेज के अंदर। अब मेथड्स अब देखते हैं, मेथड्स ऑफ सोइल एक्सप्लोरेशन क्या होता है, कितने ऐसे मेथड्स होते हैं। तो मेथड में जैसे यहाँ पे चार मेथड हैं जो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ सोइल एक्सप्लोरेशन के अंदर। पहला होता है ओपन एक्सप्रेशन और ट्रायल पिट या टेस्ट ट्रेंच, तो पहला है। सेकंड है बोरिंग और ड्रिलिंग। थर्ड है आपका जियोफिजिकल मेथड एंड फोर्थ है सब सरफेस साउंडिंग। तो ओपन एक्सक्वेशन या ट्रायल पिट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो ओपन एक्सक्वेशन या ट्रायल पिट या टेस्ट ट्रेंच, तो ये मोस्टली हम लोग मैनुअली करते हैं और विद द हेल्प ऑफ एनी कटिंग टूल्स के हेल्प से हम लोग करेंगे, और सैलो डेप्थ के लिए करते हैं, यानी बहुत कम डेप्थ के लिए अगर डेटा कलेक्ट करना है तो हम लोग ये मेथड प्रीफर करते हैं, ओपन एक्सक्वेशन या ट्रायल पिट या टेस्ट ट्रेंच मेथड। तो इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सोइल, तो हर एक सोइल के अंदर हम लोग ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। इन दिस मेथड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द सोइल विच इज कलेक्टेड बाई द पिट और टेस्ट ट्रेंच, सम एक्सटेंट ऑफ डिगिंग ऑफ सोइल। तो कुछ सोइल जो हम लोग ओपन पिट बनाते हैं उससे बाहर निकालते हैं और उससे हम लोग स्टडी करते हैं। तो दिस मेथड इज जनरली सुटेबल फॉर द सैलो डेप्थ के लिए अप्लाई करते हैं अप टू 3 मीटर, तो 3 मीटर तक हम लोग करते हैं। तो बियॉन्ड द वाटर टेबल भी जाके हम लोग ओपन एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो वही इट आल्सो कैरीड आउट फॉर द ग्रेटर डेप्थ और बिलो द वाटर टेबल। तो जैसे ये है हमारा डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से एक पिट हम लोग तैयार किए और यहाँ से सोइल उठा के ले गए और यहाँ पे स्टडी किए, इंडेक्स प्रॉपर्टी फाइंड आउट किए कि सोइल का नेचर क्या है। अब अगर डीप जाना है तो हम लोग टाइम मेंबर बना देते हैं और फिर इससे फिर एक हम लोग ट्रेंच तैयार करते हैं, तो ऐसे डीपर जाते रहते हैं, ऐसे टेस्ट ट्रेंच बनाते हुए नीचे जाते हैं और सोइल का हर लेयर बाय लेयर हम लोग स्टडी करते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं कि हर एक सोइल की हर एक लेयर की इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है। तो मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड लाई इन गेटिंग अनडिस्टर्ब सोइल सैंपल। तो इस मेथड का एडवांटेज ये है कि क्योंकि इसमें हैवी टूल्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं सोइल को कलेक्ट करने के लिए, मैनुअली हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं जिससे सोइल क्या होता है ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है, तो इस केस में हम लोग अनडिस्टर्ब सोइल सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। बट इन दिस मेथड बोथ डिस्टर्ब एंड अनडिस्टर्ब सोइल सैंपल कैन बी ऑब्टेन, तो दोनों सोइल हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, डिस्टर्ब भी और अनडिस्टर्ब भी।
Soil excavated from the trial pit is taken to the laboratory testing. The location and number of trial pit is determined as per requirement. तो जैसे अगर variation ज़्यादा है तो उसके according हम लोग trial pit उतना ज़्यादा बनाना पड़ेगा. अगर variation कम है तो कम trial pit बनाएंगे, और हर एक trial pit के लिए जो soil sample collect करेंगे उस पर study करेंगे और index property find out करते हैं, और उस soil की exploration हम लोग कर लेते हैं. Second method है boring, boring or drilling. तो बोरिंग और ड्रिलिंग क्या होता है कि कोई ग्राउंड सरफेस के अंदर कोई होल बनाने को ही हम बोलते हैं, होल बनाना उसी को हम बोलते हैं ड्रिलिंग करना या बोरिंग करना. तो मेकिंग या एंड एडवांसिंग ए होल इन द सोयल फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज बोरिंग और ड्रिलिंग. तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया, याद रखेंगे. अब टाइप्स ऑफ बोरिंग और ड्रिलिंग हम लोग कितना टाइप्स यहाँ अप्लाई करते हैं. तो पहला जो होता है टाइप्स ऑफ बोरिंग और ड्रिलिंग के अंदर, पहला होता है अगर बोरिंग, दूसरा होता है वास बोरिंग, थर्ड होता है परियोजन बोरिंग और ड्रिलिंग, एंड फोर्थ होता है रोटरिंग बोरिंग और कोर ड्रिलिंग. तो अगर बोरिंग में आपका इस तरह का टूल होता है, इस तरह के टूल्स होते हैं, इसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, मैकेनिकली भी ऑपरेट करते हैं. तो इसको तो ये टूल्स हैं, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं ग्राउंड सरफेस से, और इस पर वर्टिकली फोर्स लगाते हैं, प्रेस करते हैं सोयल के अंदर. अब इस पर जो ये स्पेस बने होते हैं, ये जो स्पेस बने होते हैं जो शार्प एज होता है उसके बीच में या उसके कर्व के ऊपर जो स्पेस बने होते हैं उसको बोलते हैं एनुलर स्पेस. तो अब जब हम लोग इसको बाहर निकालते हैं इंसर्ट करने के बाद, तो उसमें कुछ सोयल फंस करके ऊपर आता है, और उसी सोयल सैंपल को लेके हम लोग स्टडी करते हैं और उससे इंडेक्स प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं हर एक लेयर की. तो यही है इसमें अगर बोरिंग एक तरीके से सैलो फाउंडेशन के लिए या सैलो डेप्थ के लिए ही हम लोग प्रीफर करते हैं. तो बोरिंग बाई अगर इज कैरीड आउट बाई हैंड होल्डिंग इट्स वर्टिकली एंड प्रेसिंग इन डाउन वाइल इट इज रोटेटेड साइमल्टेनियसली. तो हम लोग इसको प्रेस करते हैं, तो प्रोसीजर पता है. तो इसको हम लोग अगर कैन बी ऑपरेटेड मैनुअली और मैकेनिकली, दोनों तरीके से ऑपरेट करते हैं. हैंड अगर बोरिंग है तो हम लोग 6 मीटर डेप्थ तक ही अप्लाई करते हैं, मैकेनिकली अप्लाई कर रहे हैं तो इसे भी डीपर जा सकते हैं. तो वी आर मैकेनिकली ऑपरेटेड अगर यूज फॉर द ग्रेटर डेप्थ, एंड दे कैन आल्सो बी यूज फॉर द ग्रेवली सोयल. तो अगर ग्रेवली नेचर का सोयल है तो वहाँ भी हम लोग ये मैकेनिकली ऑपरेटेड अगर यूज कर सकते हैं. अगर बोरिंग इज कन्वीनियंट इन द केस ऑफ द पार्शियली सैचुरेटेड, अब इसमें अगर बोरिंग किस तरह के सोयल के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, इसमें याद रखेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सैंड सिल्ट एंड मीडियम टू स्टिप. पार्शियली सैचुरेटेड सैंड सिल्ट एंड मीडियम टू स्टिप कोहेसिव सोयल के लिए हम यूज करते हैं. सैंपल ऑप्टन फ्रॉम द सोयल ब्रॉट अप बाई अगर आर डिस्टर्ब. तो चूँकि इसमें साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है, प्रेसिंग वर्टिकली मूवमेंट का भी, वर्टिकल मूवमेंट एंड रोटेशन दोनों मूवमेंट होता है, इसलिए सोयल क्या होता है ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है इस केस में. तो यही बोल रहा कि अगर बोरिंग से जो भी सोयल सैंपल मिलता है वो डिस्टर्ब नेचर का मिलता है, ये सैलो फाउंडेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है. तो सैलो फाउंडेशन, हाईवे, बैरो पिट, तो यहाँ पे ऐसे जगहों पे हम लोग अगर बोरिंग ज़्यादा प्रीफर करते हैं. एडवांटेज में इट इज़ अप्लीकेबल फॉर द ऑल टाइप ऑफ सोयल, एक्सेप्ट सैंड. तो सैंड यानी डेंस सैंड नहीं होना चाहिए और ग्रेवल नहीं होना चाहिए बिलो द ग्राउंड और टेबल. अब बहुत सारे अगर हम लोग यूज करते हैं, जैसे अगर इस शेप का दिख रहा है तो इसको बोलते हैं पोस्ट होल. अगर इस तरह से दिख रहा है तो हेलिकल अगर बोलते हैं, और बिल्कुल राड की तरह दिख रहा है तो इसको एक्सटेंशन अगर बोलते हैं, और इसको इस तरह का है अगर शेप अगर का तो उसको शॉर्ट फ्लाइट अगर बोलते हैं,
अगर इस तरह से इसको कॉन्टीन्यूस अगर बोलते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स के अगर्स हैं जो हम लोग फील्ड में यूज़ करते हैं। सेकेंड बोरिंग है आपका वास बोरिंग। वास बोरिंग, तो वास बोरिंग वैसे जैसे क्लेई सोयल के लिए यूज करते हैं, जो सॉफ्ट टाइप के नेचर के सोयल होते हैं वहाँ पे हम लोग वास बोरिंग प्रीफर करते हैं। तो वास बोरिंग एक तरीका से डीप डेप्थ के लिए भी हम लोग यूज प्रीफर करते हैं। तो वास बोरिंग द मेथड कंसिस्ट ऑफ ड्राइविंग ए, तो इसमें जैसे आप पूरी अरेंजमेंट सिस्टम हम लोग करते अप्लाई करते हैं वास बोरिंग करने के लिए। जैसे जैसे हैंड पैप हो गया, ट्यूबवेल हो गया, उसकी बोरिंग में जो अरेंजमेंट हम लोग यूज करते हैं वही अरेंजमेंट होता है वास बोरिंग। तो वास बोरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक केसिंग पाइप होता है और केसिंग पाइप यूज करते हैं, और केसिंग पाइप के ऊपर हम लोग हैमर ड्रॉप करते हैं। ट्राइपोड सिस्टम, ट्राइपोड या पोली अरेंजमेंट होता है और उस पर यह प्रोसेस हम लोग करते हैं। और वाटर सप्लाई सिस्टम भी लगा होता है और ड्रिलिंग रॉड लगी होती है। ड्रिलिंग रॉड के अंदर केसिंग पाइप होता है। अब उस ड्रिलिंग रॉड के थ्रू हम लोग क्या कहते हैं वाटर पास कराते हैं। वाटर पास कराएंगे तो वाटर जब जाएगा जो कटिंग एज के पास जाता है, जहाँ पे सोयल कट होता है, यानी जो बॉटम सरफेस होगा टूल्स का, वहाँ पे जहाँ पे सोयल कट होता है, अब वहाँ पे सोयल वाटर सोयल के साथ मिक्स होगा और सलरी बन जाएगी, और वो सलरी फिर ऊपर आता है ड्रेनिंग रॉड के थ्रू, और उसको हम लोग हौज में कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करके उसको हम लोग लेबोरेटरी के अंदर ले आते हैं और टेस्टिंग करके उस सोयल की उस सोयल का इंडेक्स प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं। तो अगर चेंज इन स्टेट है, चेंज इन नेचर ऑफ सोयल है, या कह सकते हैं कि रेट ऑफ पेनिट्रेशन अगर चेंज हो रहा है, तो इसे हम लोग आइडिया लगाते हैं कि लेयर चेंज हो रहा है, और हर एक लेयर की सोयल कलेक्ट करते हैं और लेबोरेटरी में हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। तो द सलरी यहाँ पे विच मे बी रोटेटेड आर मूव्ड अप एंड डाउन, तो अप एंड डाउन मूव करता रहता है ड्रिलिंग रॉड में। वाटर फोर्स अंडर द प्रेशर थ्रू द ड्रिलिंग रॉड, अच्छा ड्रिलिंग रॉड के अंदर मूव होता है। अब वाटर जाएगा नीचे तो केसिंग पाइप इनसाइड द केसिंग पाइप द सलरी यानी वाटर और सोयल का मिक्सचर। द वेलोसिटी ऑफ बोरिंग कैन बी एनालाइज फॉर सोयल फ्रॉम द डिफरेंट लेयर, तो जो रेट है उससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि लेयर एक ही लेयर है, यूनिफॉर्म लेयर है कि चेंज हो रहा है, हेटेरोजीनियस टाइप का लेयर है। चेंज इन रेट ऑफ प्रोग्रेस, तो चेंज इन रेट ऑफ प्रोग्रेस या चेंज इन सैलरी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी इंडिकेट द चेंज ऑफ स्टेट। वास बोरिंग में भी मैकेनिकल और मैनुअली ऑपरेटेड, तो मैकेनिकली भी ऑपरेट कर सकते हैं, मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, इकोनॉमिकल होता है, ईजी और क्विक होता है, लाइट वेट टूल्स होते हैं, ईजिली यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज कैन बी यूज इन एरिया वेयर ग्राउंड वाटर टेबल इज एट द सैलो डेप्थ, तो ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पे वाटर टेबल बहुत ऊपर हो। सच बोरिंग बिकम ट्रबलसम इन स्टीप एंड कोर्स, तो मैं बताया था कि ये सॉफ्ट टाइप के सोयल के लिए अप्लाई करते हैं वास बोरिंग। अगर हार्ड नेचर का, हार्ड रॉक टाइप का है, ग्रेवली है, तो वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बोरिंग जो ये वास बोरिंग है वहाँ टूल्स काम नहीं करेंगे। तो नॉट यूज फॉर द रॉक स्टेटा, अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ गुड क्वालिटी कैन नॉट बी ऑब्टेन, तो चूँकि ये हम लोग केसिंग पाइप और ड्रिलिंग रॉड के हेल्प से और बार बार अप एंड डाउन प्रोसेस होते रहते हैं, उससे सोयल बार बार डिस्टर्ब होता है, इससे हम लोग जो अनडिस्टर्ब सोयल नेचर का अनडिस्टर्ब सोयल सैंपल होता है वो कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरी अरेंजमेंट है, ये ट्राईपोड सिस्टम होता है और यह केसिंग पाइप है, केसिंग पाइप बीसी के अंदर ड्रिलिंग रॉड होता है, ये ड्रिलिंग रॉड है। तो ड्रिलिंग रॉड को हम लोग वास पाइप भी बोलते हैं या हालो ड्रिल रॉड बोलते हैं, हालो ड्रिल रॉड भी बोलते हैं या वास पाइप बोलते हैं। अब यह इसके थ्रू वाटर आता है और सलाई इससे ऊपर जाता है, तो डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, तो डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, और नीचे यहाँ पे कटिंग एज बनी होती है जिसको चोपिंग बिट बोलते हैं। वास बोरिंग के अंदर जो
कटिंग बिट बना होता है उसको चॉपिंग बिट बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।